गाइस, आज है सैटरडे भाई की गुड मॉर्निंग ले लो। अब इसकी हुई नहीं है, रात को सोता नहीं है, सुबह सोएगा फिर कहेगा मेरे को उठाओ, मैं मेरे को यहीं ला के चाय दे दो। तो बाहर का वेदर दिखाता हूँ पहले आपको, कैसा हो रखा है। सैटरडे है ना आज, तो अभी टाइम हुआ है 7:30। और तो काफी देर से गया था ना, बंद कर दो ना बाहर से। उठ तो काफी देर से गया था मैं, बट वे लेट आया थोड़ी देर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी भी हम महादेव की नगरी में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कैसा वेदर हो रखा बाहर। ये देखो बिल्कुल क्लीन है आसमान, नीचे ये बाइक खड़ी है जो 3 दिन से मैंने ऑन भी नहीं किया, ठीक है। हल्के हल्के बादल आ रखे हैं, बारिश का कोई आइडिया नहीं है, कभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ बारिश की तुम कोई भविष्यवाणी कर पाओ। ये रोड ना मेरे को बहुत प्यारे, होटल के ना लोकेशन बहुत प्यारे, बिल्कुल ना सामने से रोड घूम रहा है ऐसे गोलाई में होटल, तो काफ़ी अच्छा लगता है बैठ के ना। चलो ये बार नीचे जाते हैं, मेरा मन है कॉफ़ी पीने का और टोस्ट खाने का, अगर इनके पास हुआ तो है ना। ये देखो ये योगा कराते हैं, तो पहले भी दिखाया होगा मैंने शायद, ये मंदिर है इनका अंदर ही शिवलिंग है, इसमें हर हर महादेव। ये कुंड है जिसमें ये अग्नि जलाते हैं। ओके तो भाई अभी भी चलने में ना फील हो रहा है कि हाँ कितना ट्रैक करके आए, नहीं तो राइट वाले घुटने में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और मैंने उसके साथ ही ट्रैक कर लिया। अब जाके एक बार डॉक्टर के दिखाऊंगा, फिर देखते हैं। हेलो करो। ये सबसे पहले उठ जाता क्या सुबह सुबह, है ये उठाता है सबको। हेलो। ये इन भैया का बेटा है, ऊपर चलेगा। आजा निकाल दो बारिश को। अच्छा अच्छा कोई नहीं, हेलो बोल दे इनको, बोल दे हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हो कभी हमारे पहाड़ों में ट्रैक करने, उत्तराखंड के चमोली के सगर गांव में जहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है ना, है ना। चलो ऊपर चलें, ले जाओ इसको ऊपर। चलो ऊपर चले, रो रो के उन भैया को उठा देना, और दूसरे वाले भैया है ना जो सो रहे हैं उनको उठा दो, उठ नहीं रहे वो। देना क्या ले गया है, उठा इसको, तो उठा दे इसको, रो रो के कार में दर्द कर दे इसके सुबह सुबह। तो भाई इस होटल में इस व्यू के साथ ये हमारा आज का लास्ट ब्रेकफास्ट है। अब इसके बाद हम नहा के निकलेंगे यहाँ से कल्पेश्वर के लिए, फिर वापस यहीं से जाएंगे त्रिवेणी नारायण। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, भाई आ रहा उठ के, जब तक मैं अपनी कॉफ़ी ले लेता हूँ, उसकी चाय बनी हुई है, खाते हैं और फिर बात करते हैं। दराज में बढ़िया बना रखे हैं बट क्रिस्पी से। चलो भाई ऑलमोस्ट हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, मैं अपना नीचे रख के आ गया, अभी से कभी हो गया, जाते हैं सामान को भी यहाँ छोड़ेंगे और हम अभी आगे जा रहे हैं कल्पेश्वर। तो आते हुए यहाँ से सामान उठा लेंगे, और कमरे की हालत है ऐसी और हमारी हालत है ऐसी, और ये इसकी देख लो बिल्कुल काले हो गए। 10 बार डिटेन कराएंगे ना तो जाके कहीं बैंक से थोड़ा बहुत 1-2% फर्क पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कुछ पड़ेगा। तो बस सामान उठाते हैं, नीचे चलते हैं। और 3 दिन से मैंने तो अपनी बाइक को सेल्फी नहीं मारा, ये तो कल रात को लेके भी गया था अपनी बाइक बाहर। देखते हैं बाइक से मिलते हैं पहले, चले भाई। तो फाइनली ये हमारा स्टे था, और देखा काफी अच्छा साफ सुथरा स्टे है। है भाई, हाँ भाई, अब कहाँ थे, गुड़गांव में कहाँ रहता, तो 38वें गांव गाड़ोली, गाड़ोली का भाई। ठीक है भाई, मिलेंगे फिर, चलो। ओके तो आते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमारा पंच के साथ में लास्ट है, हमारे ये सर थे
उनके लिए कल पेश पर जाने के लिए रास्ता ले जाएगा ना, सीधा यही रास्ता जा रहा है। अंकल कल पेशवर का रास्ता कहाँ से पड़ेगा? यहाँ से नहीं, आप गलत आ गए हैं। कहाँ से जाना पड़ेगा आपको? तो जो है यहाँ से हेलंग पहुँचना है, हेलंग चमोली, चमोली से आप जो है हेलंग पहुँचना है। हेलंग से गए कहाँ आप? उर्गम 12-13 किलोमीटर। अच्छा, 13 और 3 किलोमीटर वहाँ से जो है आगे है कल्पेश्वर में। आप सीधे आपकी बाइक निकल जाएगी, जोशीमठ वाले रूट पर निकलना आपको, चमोली पहुँचना आपको। आप यहाँ चमोली पहुँचना है, यहाँ से चमोली गए आप, वहाँ से जो है आपको जोशीमठ से पीछे 58 किलोमीटर है। 58 किलोमीटर, हाँ ये मान जोशीमठ होके, हाँ हेलंग से 15 किलोमीटर जोशीमठ है, मतलब 15 किलोमीटर पीछे आपको जो है चमोली से 50 किलोमीटर जोशीमठ है। 15 किलोमीटर से आपको जो है बाईं तरफ जो है कल्पेश्वर के लिए वो करना है। ठीक है, थैंक यू। नीचे जाना पड़ेगा। ओह थैंक यू भाई। ठीक है, आर्मी एरिया क्या? आर्मी का एरिया है? सात किलोमीटर दिखा रहा है शायद, उस गांव में होगा तो नीचे, तो नीचे तक तो चली जाएगी। नहीं वैसे तो है, मतलब 30-40 किलोमीटर चल जाएगी। हाँ फिर तो मिल जाएगी आगे, शायद वो जोशीमठ आ जाएगा ना, फिर वहाँ जोशीमठ में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कोई ना भाई, हेलो, तू मेरे से आगे होगा? पता नहीं, मैं तो यहाँ पे हूँ, क्या बोलते हैं वो ब्रिज पार किया मैंने अभी। हाँ तो तू मेरे से आगे होगा, कोई मेरे यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं आया, क्योंकि मैं, मेरे को एक अंकल ने गलत रास्ता बता दिया तो मैं ऊपर चला गया था गोपेश्वर पे। यहाँ से 56 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा कल्पेश्वर। देखो ब्रूने की रील, ब्रूना हम लोग फोन ओपन करते सबसे आगे ही आई। आगे चलते हैं, यहाँ से भी 36 किलोमीटर बचा हुआ है तो पहुँचते हैं पहले एक बार, फिर देखते हैं। अरे हमरे बाबा आपके सेवक। अरे आप हम धन्य हुए, आप बैठे हमारी बाइक। हेलो पकड़ लो बाबा, पकड़ लो, तेज चलती है।
हाँ भाई तू सीधा सीधा इसी रोड पे आ जा, आगे 2 सीमेंट 1 किलोमीटर वहाँ खड़ा हूँ मैं। आप इसी रास्ते जाओगे भी, इस रास्ते जाओगे बाबा? मैं पूछना पड़ेगा, मेरा रास्ता गलत हो गया। तुम्हारा रास्ता गलत आया? शायद गलत होगा, थोड़ा सा पीछे से था। 26 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। कितने? 26। अरे वो भी आ गया बीच, कितने दूर आया हो? हाँ उसको बोल देता हूँ मैं। बोल दो। कोई नहीं बाबा, आप पहुँचो। चलो जोशी मठ आ गया। अरे कहाँ जाओ? अरे महादेव। हेलो भाई, तू वहीं रुक, मैं वापस आ रहा हूँ, ये रास्ता गलत है। मेरे को पुलिस वाला बोल ही रहा था। और तूने पूछा तो मेरे को बताया क्यों नहीं? अबे नेविगेशन पता नहीं क्या उठा रखी है इसने, अभी करा तो चेंज होगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ। ठीक है बाबा, धन्यवाद, हमारे लिए आया। अरे कोई नहीं बाबा, आपका आना था। ठीक है, धन्यवाद आपका। अरे बाबा, अरे महादेव। नहीं आप देख रहे ना, आपने बोला 10 किलोमीटर आगे। कोई नहीं कोई नहीं, एक ही बात, हम तो भाई के में गलती हो गई, 10-15 मिनट में फिर पहुंच जाएंगे। चलो सब ईश्वर के लीला। ठीक है बाबा, जय हो, जय हो। तो भाई ये रास्ता गलत, आगे हम काफी ऊपर ना चढ़ के जो सीमत इतना है नहीं, और वो पीछे अभी 26-27 किलोमीटर तभी मैं रास्ता बढ़ता जा रहा है। इसके वो स्टोरेज फुल हो गए, खाली करनी पड़ेगी। बट अभी बताता हूँ कि हम 1-12 किलोमीटर तक ऊपर चले गए और बाबा को छोड़ना था, बट उसने पता नेविगेशन में बताया नहीं, बाबा को तो छोड़ दिया, लेकिन नीचे जा रहा है तो वापस। मैं अभी चेक वेट कर रहा हूँ रास्ते में, यहाँ से निकलना है। और तूफान आ गया, अभी तक धूप थी और ऊपर बादल हो गए बारिश वाले, तो बारिश वो भी देखते हैं। तूफानी करने का नाम लेते ही आंधी आ गई, ऊपर पूरी आंधी चल रही है, जाएंगे और पूरा रास्ता ऐसे टूटा हुआ है, तूफान आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीते निकलते हैं। बाइक बहुत अच्छी है आपकी। ये मेरी मेरी फेवरेट बाइक है। और एक मंदिर नीचे है, ऊपर है मंदिर।
आगे नहीं जाएगी बाइक? बाइक नहीं आगे, सीढ़ियां भी हैं। मंदिर कितना दूर है? मंदिर ये और वो ऊपर मंदिर बस ऊपर दिख रहा है ना, 200 मीटर। मैं तेरे पास खड़ी कर दूँ, अपना गाड़ी यहीं तुम्हारा खड़ी लगा लेते हैं, वहाँ से फोटो भी क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये भी सीढ़ी है, यहाँ पे मतलब यहाँ के बाद ना ये पुल के ऊपर सीढ़ी है। मंदिर है।